नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज दो टूक में हम बात करेंगे, जहां श्री राम जन्मभूमि का विवाद तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी ये विवाद आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी की जिला अदालत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए, लिहाजा ऐसा ही हुआ। और वहीं दूसरी ओर कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टाल दी गई। अब 11 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी, क्योंकि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि उसने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ विशेष याचिका दाखिल की है और ऐसे में विशेष याचिका पर 9 तारीख को सुनवाई होगी। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मांग की कि विशेष याचिका पर सुनवाई के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम पक्ष बार बार सुनवाई से क्या भाग रहा है? अगर मुस्लिम पक्ष के दावे सही हैं तो कोर्ट की सुनवाई और सर्वे कराने से क्या परेशानी है? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यू स्टेट के सवाल आपको बताते हैं। तो आज के सवाल, काशी मथुरा की सच्चाई फिर सियासत गरमाई, सुनवाई में आड़ंगा, मुस्लिम पक्ष क्यों है डरा डरा, यह हमारे आज के सवाल रहेंगे। बंद लिफाफा, टली सुनवाई, क्या छिप जाएगी सच्चाई? 2024 का चुनावी रण, काशी मथुरा विवाद क्या होगा खत्म? सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा कमिश्नर सर्वे का रास्ता। तमाम जो इस समय गेस्ट हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, एक बार आपका तारुफ उनसे करवा देती हूं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ, फाजिल अहमद मुस्लिम धर्म गुरु, रुद्र विक्रम सिंह वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुद्र विक्रम सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा दोनों ही मामलों की सुनवाई की, अगर हम बात करें इस समय क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या वाकई मुस्लिम पक्ष की ओर से जो इस समय तमाम चीजें की जा रही वो ऐसी नजर आ रही कि आड़ंगा लगाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात सवाल पूछा और सटीक इस बात को समझा कि चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे भगवान शिव का काशी का मसला हो, चाहे भगवान कृष्ण का मथुरा का मसला हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई इतिहास है, ना कोई उनके पास कहने के लिए कोर्ट में कुछ होता है, इसीलिए वो बार बार सिर्फ यहाँ एप्लीकेशन, वहां एप्लीकेशन, वहां सूट, वहां कुछ इस तरीके से डाल के सिर्फ वो चाहते हैं कि ये डिले टैक्टिक, लीगल टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डिले टैक्टिक बोलते हैं, तो ये सिर्फ डिले टैक्टिक इनका कि कभी हम वहां चले जाएं, कभी यहाँ चले जाएं, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है ऐसी डिले होती रहे और जो हिंदू पक्ष है इस देश का, जो एक वर्ग है, उसको कभी न्याय ना मिले, जिसको राम मंदिर के मुद्दे के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा न्याय के लिए, क्योंकि एक पक्ष जो है वो सिर्फ न्याय की बात कर रहा है। एक लीगल प्रोसीडिंग जो भी सिविल की वकालत करता है, सिविल मामलों की, वो उनको पता है कि भाई जो एप्लीकेशन मूव होती है, कोई भी किसी मसले का टाइटल सूट सिर्फ कमिश्नर अपॉइंट जरूर होता है, चाहे वो छोटे से मकान का हो, चाहे वो किसी घर का हो, चाहे मंदिर का हो, टाइटल सूट डिसाइड करने के लिए कमिश्नर अपॉइंट किया ही जाता है और वही कमिश्नर वो सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करता है, उसी के आधार पर आगे की प्रोसीडिंग चलती है। तो फिर इसको हटाने के लिए, इसको रोकने के लिए क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि नहीं नहीं इसको, और हर जैसे आपने वाराणसी वाले मुद्दे में देखा सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि हम कोई स्टे नहीं लगाएंगे, इस मसले पर भी ये लोग गए तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम कोई स्टे नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद भी ये लोग फिर से SLP मूव कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डिले टैक्टिक है और कुछ नहीं है। फाजिल अहमद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जो सवाल है न्यू स्टेट के, वो हमारे अपने कोई सवाल नहीं है, जनता के सवाल हैं। ये बातें हैं जो अक्सर आपने देखा होगा कि कई राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो भी कहते हैं और आज हम भी पूछ रहे हैं कि क्या वाकई आप लोग जो सर्वे होता है या जिस तरीके से सुनवाई होती है उससे भागने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जी फाजिल जी, देखिए, आपने बाबरी मस्जिद का चर्चा शुरू किया इसलिए हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं। ये लोग पहले कहते थे कि भगवान राम बीच वाले गुंबद के नीचे पैदा हुए, आज मंदिर 3 किलोमीटर दूर बन रही है मस्जिद से,
जो रामलला विराजमान वहां उपस्थित थे उनको हटा करके वहां से दूसरी जगह ले जाया गया। तो सारी चीजें तो इनकी खुद भी गलत कर रही है लोग। बाबरी मस्जिद पहले कहते थे कि बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म हुआ, हमको 6x3 की खटिया वाली जगह चाहिए, वो तोड़ दिया इन लोगों ने, बाबरी मस्जिद गिरा दिया और वो जगह पर रामलला को विराजमान कर दिया। और फिर आज मंदिर कहाँ बन रहा है, बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, आज उस जगह पे मंदिर नहीं बन रहा है। तो हम लोग तो कभी एतराज किए ही नहीं। आज भी राजा, सुन लीजिए, राजा कंस का महल जमुना के किनारे है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कंस महल में हुआ ना, वासुदेव जी उसी जमुना को पार करके भगवान कृष्ण को लेके गए वहां पे, आज वहां नहीं जा रहे। हम लोग तो कह रहे जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वह उनका जन्म स्थान का भव्य मंदिर बनना चाहिए, हम लोग भी साथ हैं आपके, लेकिन वो कहाँ कह रहे, मस्जिद में पैदा हुए, वहां की जमीन कह रहे कि ये उनकी है। तो सारी चीजें इन लोग की फेक है, पॉलिटिकल है, पायरेटेड है, पूरी तरह से बनाई हुई कहानी है राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए। कंस का महल और मानसिक बौद्ध, वहां के बौद्ध संघ के लोगों ने कहा कि ये जो कृष्ण मंदिर नहीं केशव मंदिर है ये, और केशव मंदिर बौद्ध स्तूपा था, बाद में इसको राजा शशांक ने तोड़ करके हिंदू मंदिर बना दिया, ये बौद्ध मठ है। पूरे संग्रहालय मथुरा से हजारों मूर्तियां बौद्ध तथागत बुद्ध की मिली और राजकीय संग्रहालय में आज भी रखा हुआ है। पूरा अयोध्या और पूरा काशी और पूरा बनारस आप देख लीजिए, ज्ञानवापी में निष्पक्ष अगर जांच किया होगा एएसआई ने, वहां भी बौद्ध धर्म का चिन्ह मिलेगा। और जब रामलला की नींव खनी जा रही थी, राम मंदिर के जब शिलान्यास किया जा रहा था उस समय भी तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिली। तो सारी चीज तो साबित हो रही है कि, और एएसआई के सर्वे ने अयोध्या मामले में कहा था कि ये कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है, तो सब कुछ तो बुद्ध बुद्ध का मिल रहा है, सारी चीजें बौद्धिस्ट मिल रही, फिर ये लोग विवाद राजनीति करने के लिए निष्पक्ष चलिए क्यों नहीं हो रहे फाजिल भाई? जी, ये हम तो जो कह रहे तमाम सवाल आपने हैं उठाए हैं उनका जवाब मैं लूंगी आचार्य राज मिश्रा जी से, लेकिन आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ फाजिल जी। ये तमाम बातें जो आपने कही, जो आरोप यहाँ पर लगाए कि बातें कुछ और कही गई लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से वैसा किया नहीं जाता है जो आपने जिक्र किया, तो इसीलिए तो कमिश्नर सर्वे की मांग की जा रही है। भौतिक तौर पर सारा सर्वे होगा तो सारी बातें साफ हो जाएगी, फिर उस पर रोक के लिए आप लोग क्यों आतुर? देखिए ये सरकार में है और सरकार के नाते ये लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो है जिस अरे तरह, भैया सुन लीजिए, सुने सुने जी, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के स्टे के थोड़ा बावजूद थोड़ा भी जो स्थगन थोड़ा एला, सुन लीजिए एला, थोड़ा चीफ कानून मिनिस्टर के बारे में कल्याण पढ़ सिंह थे, लीजिए। कल्याण सिंह ने कहा था सरकार से कि हम सुरक्षा करेंगे, स्टे होने के बावजूद भी उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, शहीद कर दिया उसको। तो हम तो इनसे डरे हुए हैं ना, जब जब ये लोग सरकार आज में के आते हैं तो कमिश्नर सरकार सर्वे का की गलत बात कर इस्तेमाल रहे हैं करते सर, हैं, मैं कमिश्नर जिस तरह सर्वे से को ये लेकर जो सर्वे के रोक बहाने फिर की ज्ञान बात आप वापी को लोग कह गिरा रहे देंगे, हैं वो मथुरा को क्यों? गिरा देंगे, तो कहाँ कहाँ गिराते रहेंगे। और देखिए जिस तरह से बाबरी मस्जिद को अदालत के रोक के बावजूद भी गिरा दिया गया एक मॉब इकट्ठा करके, तो हमें डर इस बात का है कि सरकार भी, ये लोग जब जब आते हैं तब मस्जिदों पे हमला करते हैं, चर्चों पे हमला करते हैं। इनका बौद्ध समाज के लोग कह रहे हैं कि बौद्ध मठ है उसको नहीं मान रहे, सारी चीजें। अब एएसआई के हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एएसआई क्या रिपोर्ट देता है, फिर उसके आगे हम लोग अपनी अपनी हम लोग भी प्रक्रिया शुरू करेंगे कि भाई अच्छा, बंद बौद्ध चिन्ह लिफाफे है कि में हिंदू रिपोर्ट चिन्ह देने है को कि लेकर मुस्लिम चिन्ह है। एक सवाल और सर आपसे, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊंगी क्योंकि अभी आपसे मेरी चर्चा जारी है। बंद लिफाफे में एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है पेश करना, उसके पीछे जो तर्क है वो भी जरा अपने शब्दों में आप लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आप लोग सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, पिछली दीवार मस्जिद के अंदर कुछ नहीं मिला, मस्जिद के प्रांगण में कुछ नहीं मिला, और अभी आपने रिपोर्ट में श्रृंगार गौरी की चर्चा किया। श्रृंगार गौरी की पूजा ऑलरेडी पिछले साल भी हुई, इस साल भी हुई, कभी श्रृंगार गौरी की पूजा को कोई रोक नहीं लगी। आज कोर्ट में ये लोग क्या करने गए थे, श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने गए थे ना, तो जब श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है तो फिर इनको आगे लड़ाई क्यों लड़ना चाहिए। पता है कि 91 वर्शिप एक्ट इसी देश के पार्लियामेंट ने पास किया है और सबको मानना है वो कानून, वो कानून से कोई डिनाई नहीं कर सकता है, सरकार भी मानेगी और सुप्रीम कोर्ट भी मानेगी। तो 91 वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद भी अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो क्या वो मस्जिद हटाई जा सकती है, हटाई तो नहीं जा सकती है ना। तो फिर इतना बवाल, ये राजनीति, चुनाव लड़ना है इन लोग को 24 में, ये लोग कोई विकास काम तो किए नहीं देश के अंदर, चलिए तमाम लोग इसका जवाब बेरोजगार भी है, हम ले लेते हैं पार्लियामेंट इस समय। आचार्य बेरोजगार जो राज है मिश्रा जी पार्लियामेंट से में घुस आपके के पास अपनी में बात आना कह रहा है। चाहूंगी, जिस तरीके से यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं फाजिल साहब की ओर से, इसी के साथ एक मेरा जुड़ा हुआ ये सवाल कि हमने देखा है बीजेपी की जो एक रणनीति है, क्या उस रणनीति का ये हिस्सा है अयोध्या तो अभी झांकी है,
काशी मथुरा बाकी है, एक सियासी लड़ाई कहीं ना कहीं देखी जा रही है क्या, या फिर इसके अलावा जो आरोप लगा रहे हैं फाजिल साहब उस पर आप क्या कहेंगे? दीपशिखा जी, सबसे पहले तो जब औरंगजेब ने आकर के 1670 में मंदिर को गिराया था तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, आप सब इस चीज को जानते हैं। कुतुब मीनार आज भी दिल्ली के अंदर है, जाकर के देख लीजिए उसके दीवारों पर लिखा हुआ है, उसके साथ की मस्जिद पर, कि 27 मंदिरों को तोड़ करके इसको बनाया गया है। ठीक है, उस टाइम बीजेपी की सरकार नहीं थी, मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं आप स्पष्ट कर दूं, मैं धर्म को लेकर के बात कर रहा हूं। लेकिन उस टाइम आप सभी लोग इस इतिहास को बाकायदा जानते हैं, और इवन कितने इतिहासकार, इराक के इतिहासकार, हिंदुस्तान के इतिहासकार, मसीरे आलमगिरी इत्यादि में कितना स्पष्ट रूप से वर्णन है कि किस प्रकार मथुरा को तोड़ा गया, किस प्रकार काशी को तोड़ा गया, बड़ा स्पष्ट सब कुछ वर्णन मिलता है। अरे इन लोगों से आप न्याय की बात करते हैं, इन लोगों ने तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं छोड़ा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच में इन्होंने अपनी मस्जिद बना ली थी, उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था अपने मस्जिद को छुड़ाने के लिए। आप बात करते हैं इनसे और न्याय का भरोसा करते हैं? हाजिल अहमद साहब, श्रीरामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है, झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना, तो ये झूठ का पुलिंदा ना बहुत दिन तक नहीं टिकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और 1991 वर्शिप एक्ट पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई है कि जो कुछ हो रहा है, चाहे वो काशी के सर्वे को लेकर के जब मुस्लिम पक्ष ने जाकर के कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है, कैरेक्टर को ही वास्तविकता में पता करने का यहां पर प्रोसेस है, तो 1991 वर्शिप एक्ट कैसे हो सकता है? तो बार बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद, बार बार सुप्रीम कोर्ट से अपमान सहने के बाद, और आपको पता है कि आप गलत हैं, मंदिर तोड़ करके ही वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, आज भी वहां दीवारें चिल्ला चिल्ला कर बोल रही भाई, 1996 में ऑलरेडी सर्वे हुआ है, आपको पता होगा काशी का, और उसकी रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि वहां पर मंदिर के पूरे अवशेष विद्यमान है, और उसके बाद भी अगर उठा करके देख लीजिए तो वहां पर 1992 तक व्यास परिवार पूजा करता रहा है, बेसमेंट के अंदर उसका सामान रखा रहा है, किस प्रकार की बात है? यहाँ चैनल पर बैठ करके, एक सम्मानित चैनल पर बैठ करके सर नहीं आती, किस प्रकार की आप लोग झूठी बातें करते हैं? मैं एक बात फिर कह रहा हूँ दीपशिखा जी, मैं नहीं मानता हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो अभी का हमारा मुसलमान है, वो उस चीज का दोषी हो सकता है, लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिए दीपशिखा जी, क्योंकि आप उस औरंगजेब का सपोर्ट कर रहे हैं जिसने आपके बाप दादा को प्रताड़ित करके उनको कन्वर्ट होने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए आप दोषी हैं, क्योंकि आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और आप बरगला रहे हैं जो कुछ मुस्लिम हैं जो वाक्य सच्चाई के साथ हैं, आप जैसे लोग एक अच्छे टीवी चैनल पर बैठ करके, और जब इस प्रकार की बातें करते हैं। चलिए रघु विक्रम सिंह जी के पास हम चलते हैं और उनसे एक तकनीकी पहलू यहां पर जानते हैं। रघु विक्रम सिंह जी, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष बार बार कहता है, और कहीं ना कहीं इस बात में वो सही भी अपने आप को मानते हैं और कई लोग मानते हैं, कि आजादी से पहले ढांचागत इमारतों का जो प्रारूप है, जो आस्था से खास तौर से जुड़ी हुई है, वो उसी स्थिति में रहेंगी, इसको लेकर एक बड़ा हथियार है मुस्लिम पक्ष के पास, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से याचिकाएं आती हैं कि यहां पर पहले मंदिर था, इसका एक तकनीकी बिंदु जो पीछे पहलू जो छिपा है वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आड़ लेके ये लोग बैठते हैं हर जगह, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, उसमें मैं भी एक पिटिशनर हूँ, इसलिए मुझे इस वाकये में बहुत अच्छे से पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी कर रखा है, पक्षों से जवाब मांगा है उनका। तो एक बात तो ये हो गई कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी ये एक्ट होना चाहिए इस देश में कि नहीं होना चाहिए, क्या आप किसी को कोर्ट जाने के लिए रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, क्योंकि आर्टिकल अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो हमारे देश में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 21 तक हमें इस बात की आजादी भी मिलती है कि अगर हमको कोई भी ऐसा ग्रीवांस होता है किसी के खिलाफ भी, तो हम कोर्ट जाने की हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन एक ऐसा पूरे देश में, हमारे देश में एक ऐसा एक्ट है जो कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो सबसे पहले तो वो चैलेंज्ड है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है, उसमें नोटिस भी जारी हो चुका है। अब दूसरी बात हम आते हैं कि क्या ये जो मसले, दो मसले अभी चल रहे हैं काशी के और मथुरा के, क्या उन मसलों में ये कार्रवाई चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, उसको ऑलरेडी काशी वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे जजमेंट से उन्होंने कहा कि ये जो
सुनवाई चल रही है, ये बिल्कुल लॉ एज पर द लॉ है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ये जो मुस्लिम तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु या तथाकथित आप कहते हैं कि हम मुस्लिम के पोषक हैं, हम मुस्लिम धर्म को समझते हैं, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कानून के बारे में पता होगा। ऑनरेबल जजेस ने बहुत एकदम सटीक इसमें बात कही है कि और देखिए मांग हमारी क्या है कि भाई कम से कम ये पता चले ना कि स्ट्रक्चर का ढांचा था क्या, वाकई में ऐसा ढांचा क्या था। सिर्फ हम काशी वाले मुस्लिम हमारी क्या मांग थी कि भाई ये पता तो चले, सर्वे कम से कम हो। और जो हमारा सीपीसी का प्रोविजन है वो क्लियरली बोलता है कि भाई किसी भी टाइटल डिस्प्यूट में कि आप इस बात का तो पता कमिश्नर अपॉइंट करके, जज तो वहां देखने जाएंगे नहीं, कोई जो पक्षकार है वो देखने जाएगा नहीं या उसकी पक्षकार की बात कोई मानेगा नहीं। तो इसलिए एक सीपीसी में प्रोविजन है जो सिविल प्रोसीजर कोड है कि एक कमिश्नर अपॉइंट होगा, वो कमिश्नर जज अपॉइंट कर सकता है। और अगर देखिए दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूं कि अगर दूसरे पक्ष को ऐसा लगता है कि जो कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है वो कुछ किसी तरीके से बायस्ड है, किसी तरीके से उनके खिलाफ है, मतलब जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो नहीं है, तो वो उस रिपोर्ट को चैलेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को इनको लगता है कि भाई रिपोर्ट में कुछ ऐसा कि बायस्ड होकर कमिश्नर ने कर दिया है, और कमिश्नर जब जाता है सर्वे करने तो दोनों पक्षकारों को लेके जाता है, ऐसा भी नहीं कि वो चुपके से चला गया सर्वे करके आ गया। दोनों पक्षकार होते हैं, दोनों पक्षकारों के सामने जो भी वीडियोग्राफी और जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन दोनों पक्षकारों के सामने होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये आखिर यहाँ पे टीवी में आके ये लोग चिल्लाते हैं, कोर्ट में आके फिर इनके पास कोई पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए वो दूसरे कोर्ट चले जाएंगे कि नहीं जी हम वहां चले जाएंगे, वहां से स्टे ले आएंगे। चलिए तो ये सब फाजिल साहब के पास चलते हैं। फाजिल साहब, घूम फिर कर इस समय जो सवाल की सुई है वही आकर टिक चुकी है कि आखिरकार कमिश्नर सर्वे को लेकर आपत्ति किस तरीके की है, आपत्ति क्यों है। मैं जानती हूँ आप अभी जो पिछली चीजें हैं, चाहे बात हम बाबरी मस्जिद को लेकर करें या फिर जिस तरीके से आपने बिंदु रखे उनको लेकर आप जरूर कहेंगे, लेकिन कमिश्नर सर्वे पर आपत्ति क्यों, कम शब्दों में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केदारनाथ धाम हमारा बौद्ध मठ है, समझ रहे हैं, और उतना ही नहीं कहा। राजा शशांक ने 20,000 हिंदू मंदिरों अब देख स्वामी प्रसाद मौर्य अब इनको बेचैनी देख लीजिए, अब इनकी बेचैनी देख लीजिए, मैं बोला इनके बीच में अब ये बदतमीजी शुरू कर दिया है। नहीं जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो पूछा के नाम पर इतना चिढ़ गए, कुछ और रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वामी प्रसाद इस देश के नहीं है, बात स्वामी प्रसाद इस देश के नहीं है। इनको कोई जानकारी नहीं, व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं, सुन लीजिए, इनको कोई जानकारी इतिहास की नहीं है, मुझे क्या इनको इतिहास के बारे में क्या जानकारी है। आचार्य राजेश्वर जी एक मिनट का समय, स्वामी प्रसाद का नाम सुनते ही बेचैनी आ जाती है। फाजिल साहब, मेरा जो सवाल था वही अभी कि आखिरकार कमिश्नर सर्विस नहीं बोलेंगे वो बिल्कुल नहीं, बस आप सवाल से मत थकिए, आपसे एक सवाल, कमिश्नर सर्विस से आपत्ति क्या, कब शब्दों में एक लाइन, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केदारनाथ धाम बहुत बढ़िया है कि उनको नहीं रुक पाएगा, स्वामी प्रसाद ने कहा कि केदारनाथ धाम बहुत बढ़िया होता है, इसलिए जब भी सर्वे की बात आती है जब स्वामी प्रसाद आचार्य राज मिश्रा जी के हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करती हूँ एक मिनट का समय दीजिए, एक मुद्दे का सवाल यहाँ पर इनसे मैं पूछना चाहती हूँ जिस पर हमारी ये पूरी बहस है। फाजिल साहब, कमिश्नर सर्वे से किस तरीके की आपको आपत्ति है, कम शब्दों में आप बता दीजिए। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कमिश्नर सर्वे हो रहा है ना, हम लोग तो तैयार थे 18 तारीख को कराने के लिए, क्यों नहीं आए लोग, और हम तो कह रहे 91 वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, पूरे देश की मंदिरों पर बुद्धिस्ट का क्लेम होगा, 20,000 मंदिर बौद्ध मठों को तोड़ करके राजा शशांक ने हिंदू मंदिर में कन्वर्ट किया था, पुष्यमित्र सिंह ने बुद्धों का गला काट करके हत्या, बिल्कुल आप सभी का शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। और यहाँ पर इस डिबेट में मैं एक जिक्र करना चाहूंगी सकारात्मक धर्म निरपेक्षता का, कानून का, क्योंकि आज हमारा जो देश है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे रिप्रेजेंट भी करता है।
इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप सभी जानते हैं कि जहां पर हमने देखा है कि धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद जन्म लेता है, धर्म के नाम पर चीजें डिसाइड की जाती है, उनका हाल श्रीलंका म्यांमार जैसा होता ही है। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी प्रेम सद्भाव के साथ रहे, और इसकी और अगर ध्यान सभी का हो, सियासतदानों का हो, लोगों का भी हो, तो शायद कभी ऐसी लड़ाई लड़ने की हमें जरूरत ना पड़े। आज हम इतिहास से जरूर उसे जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, लेकिन आज हम अपने प्राचीन इतिहास से मुंह मोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आज इन तमाम सर्वों की जरूरत हमें पड़ रही है। अगर ऐसा ना होता तो तस्वीर भी हमारे देश में कुछ ऐसी ना होती। दो टूक देख रहे सभी दर्शकों को, फिलहाल जिस तरीके से आज आपने डिबेट देखी, जिस तरीके से तमाम चीजें रही, इससे क्या समझ आई, मैं आप पर ही छोड़ती हूँ। मुझे नहीं इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 8 के साथ। नमस्कार।